पश्चिम बंगाल। चैतन्य महाप्रभु, बंकिम चंद्र चैटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी अनेक विलक्षण व्यक्तित्वों से भरी, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक और सुभाष चंद्र बोस के जज्बे की भूमि, अपनी विशिष्ट संस्कृति और समृद्ध धरोहर के साथ जो देती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को गौरवशाली पहचान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में पूर्वोदय के मिशन के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है तेजी से आगे। हिंदुस्तान का संपूर्ण विकास करना है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके का भी विकास होना चाहिए, पूर्वी छोर का भी विकास होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने में गैस आधारित अर्थव्यवस्था देगी मजबूत आधार, जिसमें BPCL, गेल, IOCL के साथ NHAI के प्रोजेक्ट्स भी निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2,843 करोड़ रुपए मूल्य के 88,50,000 कनेक्शन दिए गए। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,169 करोड़ रुपए मूल्य के 1,73,00,000 मुफ्त सिलेंडर दिए गए, जिससे पूर्वी क्षेत्र में LPG की तेजी से बढ़ी मांग। इसी मांग की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में BPCL ने की थी परिकल्पना LPG इंपोर्ट टर्मिनल के निर्माण की। 1 मिलियन MTPA क्षमता वाले इस टर्मिनल में 250 टैंक ट्रक प्रतिदिन लोड होंगे, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित बॉटलिंग प्लांट तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाएंगे LPG। गेल द्वारा निर्मित डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 348 किलोमीटर लंबी और 8 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे क्षमता वाली ये पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जैसी महत्वाकांक्षी पाइपलाइन परियोजना का है हिस्सा, जो भारत सरकार के एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के विजन को देता है मजबूत आधार। ये पाइपलाइन पूर्वी भारत के 10 जिलों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क्स के लिए प्राकृतिक गैस की करेगी आपूर्ति, साथ ही घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक उद्यमों और परिवहन सेक्टर को निरंतर मिलेगी किफायती, पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस और उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार में मिलेगी मदद। रानीचक हल्दिया में 4-लेन ROB सह फ्लाईओवर NH-41 पर बना यह प्रोजेक्ट है NHAI का, जो पोर्ट रोड कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हुआ है विकसित। इसके निर्माण से मिलेगी कोलाघाट से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स तक निर्बाध यातायात और बेहतर सड़क सुरक्षा की सुविधा। IOCL के हल्दिया रिफाइनरी में Group 3 का भारत का पहला कैटलिटिक आईसो डीवैक्सिंग इकाई, जो एडवांस्ड Group 2 और 3 ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक का करेगा उत्पादन, जिसका उपयोग हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव एवं इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स में होगा, जिससे इसके आयात पर निर्भरता होगी कम। पश्चिम बंगाल के नव निर्माण से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं में पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान 26,00,000 कार्य दिवस के रोजगार का हुआ सृजन, साथ ही नई परियोजनाओं से 18,00,000 कार्य दिवस का भी होगा सृजन, और इन सभी परियोजनाओं से भविष्य में खुलेंगे रोजगार के अनेक द्वार और पूर्वी भारत को मिलेगी आर्थिक गति। हल्दिया में LPG इंपोर्ट टर्मिनल, डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और रानीचक हल्दिया में 4-लेन ROB सह फ्लाईओवर का राष्ट्र को समर्पण, साथ ही हल्दिया में कैटलिटिक आईसो डीवैक्सिंग इकाई का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से कर रहे हैं।